स्टार्ट मिल जाएगा आपको लिंक ठीक है लाइफ का भी जैसे मैच में जाओगे ना हेलो तो स्वागत है एक बार फिर आपका नोएडा क्रिकेट स्टेडियम के इस मैदान से जहां पर एक बहुत ही बेहतरीन मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है तो मैं संजय बबलू एडोबी की तरफ से दोनों टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये बताना चाहूंगा कि खेल की शुरुआत हो चुकी है पहला मैच आज के दिन का खेला जा रहा है ऑलरेडी आज के तीन मैच है सो अब ये कह सकते हैं कि मैच थोड़ा सा निर्धारित समय से और डिले ज़रूर हुआ है लेकिन जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ेगा मैच अपने तय समय के अनुसार संपन्न हो जाएगा ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी इस बार ऑफिस टाइम से बाहर की तरफ ये गेंद कवर की दिशा में खेला कोई रन नहीं उस गेंद पर और इसी के साथ एक बेहतरीन गेंद तो आज की ये सुबह बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं ड्यू नजर आ रही है शबनम की बूंदें नजर आ रही है मैदान पर और धीरे धीरे इस समय खेल आगे बढ़ता हुआ नोएडा क्रिकेट स्टेडियम एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाया गया है जिसका स्टैंडर्ड uh, लेवल आप देखें तो लेवल अकॉर्डिंग टू जस्ट लाइक अ इंटरनेशनल डायमेंशन सो वी आर हेयर फॉर कॉर्पोरेट टूर्नामेंट एंड दैट इज़ फॉर द एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट और यहां पर यह पहला मैच खेला जा रहा है और पहले मैच के दौरान एडोबी एक्सेस का मुकाबला हो रहा है इस समय एडोबी ग्लाइथ से और इस समय पहले बैटिंग कर रहे हैं एडोबी एक्सेस और इस सॉरी यस एडोबी एसेस का मुकाबला हो रहा है ग्लाथिस से जो कि इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ रन बना ली है पहले ओवर के दौरान लेकिन एक विकेट भी गिर चुका है इस मैच के इस पहले ही ओवर में सो so एक बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में अगली टीम की और देखना है अगले बल्लेबाज इस समय जी हाँ निखिल आते हुए तो आप इस समय लाइव स्ट्रीमिंग के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के लिए आप बिल्कुल इस टूर्नामेंट का मजा आप YouTube के इस लिंक पे भी जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा आप एंजॉय कर सकते हैं इसी बीच अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज आगे निकल के आए कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया मिडॉन की दिशा में खेला वहाँ पर और एक रन के साथ स्कोर में इजाफा हुआ और अपने खाते की शुरुआत कर दी है निखिल ने नाउ स्कोर मूव ऑन नाइन फॉर द लॉस ऑफ वन एंड वी आर इन वन नंबर ऑल्सो वेरी फर्स्ट तो ये अब तक ये पहले ओवर का खेल चल रहा है और इस समय नौ रन बनाए जा चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर बीच अगली बॉल और इस समय आगे निकल के खेलने का प्रयास वहां पर कोई मुकाबला नहीं बैटर बॉल के बीच में एक शानदार गेंद इस समय और इसी के साथ ये यहाँ पर ये मैच जो चल रहा है एडोबी एस एस का एडोबी ग्लाथे से ग्यारह रन एक विकेट के नुकसान पर इस समय बनाए जा चुके हैं दूसरे ओवर की गेंदबाजी में देखना है पहली गेंद और इस बार ये काफ़ी ज़्यादा बाहर कर बैठे और ये राजा जिनका बॉलिंग में अगर देखें तो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार ऑफ ऑफिसम से बाहर की ये गेंद वाइट का इशारा किया अंपायर ने और इसी के साथ स्कोर अब इस समय जा पहुंचा है बारह रनों पर इस बार हवा में खेला गया शॉट कवर के पास खिलाड़ी थे वहां पर लेकिन थोड़ा सा पीछे खड़े थे और गेंद थोड़ा सा पहले गेंद रुकी वहां पर किसी भी चकली गेंद और इस बार खूबसूरत कट शॉट इस समय डी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कोई मौका नहीं गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चारों रनों के लिए जाती हुई है पहला एक आत्मविश्वास भरा शॉट इस मैच के दौरान बाउंड्री के तौर पर गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर एक और गेंदराजा की इस बार भी काफ़ी ज़्यादा बाहर है ऑफ स्टम से और निश्चित तौर पर इसे अंपायर का इशारा आप बिल्कुल कह सकते हैं ये वाइट बॉल का होगा और निश्चित तौर पर ये वाइट बॉल का फैसला आता हुआ एक और रन यहाँ से मिलता हुआ एक्स्ट्रा के तौर पर और रन बनते हैं अमूमन ये विकेट कहा जाता है कि नोएडा क्रिकेट स्टेडियम का बहुत ही अच्छी विकेट है बल्लेबाजी के लिए और ऐसे विकेट पर आप, आप काफी ज्यादा रन बटोर सकते हैं एक और गेंद हवा में है नीचे उसके फील्डर आ रहे हैं कैच होने की पूरी उम्मीद क्या ये आउट होंगे जी हाँ नीचे फील्डर थे उन्होंने कोई गलती नहीं की मिडॉन पर और इसी के साथ एडोबी एसएस का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ शानदार गेंदबाजी राजा की और शानदार कम बैक कह सकते हैं ये विकेट लिया चौका लगने के बाद तो दूसरा विकेट गिर चुका है इस समय एडोबी एस को और इस समय इस बार अच्छी गेंद विकेट कीपर से छूटी है थर्ड मैन के पास गेंद पहुंची जरूर है आ, वहां पर आ, एक रन का इशारा कर रहे हैं और ये बाई के रूप में रन दौड़ के पूरे किए गए हैं एक और गेंद हुई है अब तक सत्रह रन दो विकेट के नुकसान पर काफी बाहर ज्यादा इस बार भी कर बैठे ऑफिश्रम से और यह निश्चित तौर पे नो बॉल का इशारा कर दिया इस बार विकेट से ही काफी दूर गेंद कर दी और इसके साथ ये नो बॉल का इशारा कर दिया उन्होंने प्रदीप जैन गए हैं इस समय अगले बल्लेबाज अंदर की तरफ आई गेंद और इस बार थोड़ी सी नीची भी रही बैटर बॉल के बीच में कोई मुकाबला नहीं हुआ सीधे विकेट कीपर के, के पास ही पहुंची गेंद अपील लेक बिफोर विकेट काफी लाउड अपील जरूर थी लेकिन मुझे लग रहा है कि आ, शायद ऑफिस टाइम से बाहर टप्पा खाई थी ये गेंद और इस टाइम को मिस भी कर रही थी एक बहुत ही शानदार फैसला अंपायर का भी इस बार बहुत ही फाइन खेला है गेंद को डिफाइनल के पास गेंद पहुंचाया है बाउंड्री लाइन पर बीस फील्ड हुई है फॉम्पल हुई गेंद रन आउट होने का मौका है लेकिन मुझे लग रहा है पहुंच जाएंगे दूसरे रन की जरूरत थी वहां से और वो पूरा कर लिया अच्छी गेंद थी कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा साइड में इस बार एक रन के लिए और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की प्रदीप जैन और निखिल हंडा और इसी के साथ ये रन पूरा कर लिया गया चौबीस रन दो विकेटों के नुकसान पे एडोबी एस एस का स्कोर है। निखिल हांडा के लिए गेंद अच्छी गेंद अयाज इस समय बॉलिंग कर रहे हैं अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर कर रहे हैं अब तक एक विकेट आ, मिला है उनको भी सौरभ इस समय शॉट थर्ड मैन की पोजीशन पे लगे हुए हैं बहरहाल इसी बीच अगली गेंद के ये काफ़ी ज़्यादा बाहर है जी हाँ ऑफिस टाइम से पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा बाहर गई गे ये गेंद और वाइट बॉल का सिग्नल दे दिया अंपायर ने छब्बीस रन दो विकेटों के नुकसान पर इस समय बनाए जा चुके हैं अगली बॉल अच्छी गेंद और इस बार पड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे रहती हुई थी ये गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची गेंद वगैरह किसी रन के लिए संडे मॉर्निंग में आप सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया और एक और अच्छी गेंद इस बार ऑफिस टाइम से बाहर की तरफ यह गेंद थी उठा के खेला है और इस बार कवर की दिशा में खेला गया है शॉट दो रन के लिए तीसरे रन की मांग हो रही है लेकिन थ्रो जरूर आ गया वहां पर और इसी के साथ ये दो ही रन से संतोष करना पड़ेगा तीन ओवरों के बाद स्कोर है इस समय अट्ठाईस दो विकेटों के नुकसान पे ट्वेंटी एट फॉर द लॉस ऑफ टू आफ्टर थ्री ओवर ऑफिस टाइम से पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ ये गेंद थी राजा आ, दूसरा ओवर अपना कर रहे हैं इस समय और टीम के लिए चौथा ओवर डालते हुए राउंड विकेट ये गेंद अच्छी गेंद थी ढेला हाथों से खेल के रन के लिए जा रहे हैं देखने वहां सौरभ है रन आउट होने का मौका देखिए डारे लगी डोडा में डन और इसी के साथ यहां पर ये बाल बाल बच गए द अच्छी गेंद इस बार ऑफिस टाइम से बाहर की तरफ यह गेंद थी और बेहतरीन तरीके से उस गेंद को रखा कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं हल्का सा टर्न मिला देखने को इस गेंद में फाइनली की गेंद को मोड़ा है और वहाँ पर एक रन के लिए तीस पे दो इस समय स्कोर है चौथे ओवर के दौरान राजा की अगली बॉल इस समय अच्छी गेंद थी और उस गेंद को कवर पे खेला है सौरभ वहां पे मौजूद उन्होंने गेंद को फील्ड किया कोई रन नहीं पिछली गेंद पर प्रदीप चैन सात रन बना के खेल रहे हैं और निखिल हंडा चार रन बना के खेलते हुए तीस पे दो है इस ओवर की अगली ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद पैट पे लगने के बाद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची कोई रन नहीं और एक बहुत ही अच्छा ओवर समाप्त हुआ काफी किफायती ओवर अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा को छोड़ दिया जाए तो ज्यादा रन नहीं है चार ओवर के बाद तीस एडोबी एस का दो विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है इस समय मोहम्मद शाकिब इस समय बॉलिंग के लिए आते हुए और पहली ही गेंद लेग स्टम से बाहर दिशाहीन गेंदबाजी और इसी के साथ व्हाइट बॉल का इशारा किया अंपायर ने एक्स्ट्रा की हम बात करें तो निश्चित तौर पर काफी आ रहे हैं यहां से और ये एक ऐसी गतिविधि शायद इस पे आप अंकुश लगाना चाहेंगे रन जो एक्स्ट्रा के द्वारा बने हैं अतिरिक्त के द्वारा बने हैं अभी तक इस समय वो सोलह आ चुके हैं यानी कि आधे रन तो एक्स्ट्रा ही आए हैं तो ये शायद समझना होगा इसी बीच आउट की अपील की है रनआउट के रूप में लेकिन बहुत ही करीबी मामला था और अंपायर के नज़रिए से शायद वहाँ पे पहुँच चुके हैं बल्लेबाज तो एक और जीवनदान कह सकता हूँ मैं थोड़ा सा टच एंड गो का मामला था अगर शायद तीसरे अंपायर का यहाँ पे अगर इस्तेमाल किया जा सकता था तो तो बिल्कुल स्क्वायर लेके अंपायर कर सकते थे लेकिन एक बहुत ही अच्छी फील्डिंग अगली बॉल इस बार अच्छी गिनती ढेले हाथों से खेल कर रन लेने का प्रयास कर रहे हैं देखना वहाँ पर फील्डर हैं लेकिन आँखों ही आँखों में इशारा करके दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने एक रन पूरे कर लिए तो दूसरा विकेट जब गिरा था उस समय स्कोर टीम का बहुत ही अच्छा नहीं था सत्रह एक ओवर और, और पांच गेंदों का खेल हुआ था लेकिन उसके बाद स्थिति को संभाला है इस समय दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बार अच्छी गेंद थी ड्राइव किया है कवर की दिशा में फील्डर थे उसके पीछे इससे पहले की गेंद को फील्ड करते वहां पर एक रन पूरा किया जा चुका है चलता हुआ इस समय शुरुआत विकटो को लेकर जो हुई थी बहुत ही बढ़िया लेकिन उसके बाद स्थिति को लगातार साइड में खेला है एक रन के साथ ओवर के आखिरी बॉल पर सिंगल लेके स्कोर इस समय पाँच ओवर के बाद स्कोर है पैंतीस दो विकेटों के नुकसान पे बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा ये और वहीं देखा जाए तो ये पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके तैयार हैं इस समय गेंदबाजी में राजीव सिंह आ रहे हैं एक और परिवर्तन किया जा रहा है गेंदबाजी में राजीव सिंह इस समय बॉलिंग में आते हुए फील्डिंग में अभी भी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पर पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर और इसके अलावा मिड ऑफ का खिलाड़ी ऑफ साइड में नजर आ रहा है ऑन साइड में ऑन शाकिब हैं, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी और एक खिलाड़ी फाइनल अपॉन द सर्कल पहली गेंद वहां पर राजू सिंह की यह लेग स्टम्प से पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ यह गेंद और व्हाइट बॉल का सिग्नल दे दिया अंपायर ने पैड पे टकराई है वहाँ से अपील जरूर हुई लेकिन नॉट आउट का फैसला दिया अंपायर ने पढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस समय पावर प्ले के दौरान गेंद थी पिछली बॉल लेकिन इस बार गेंद को पुल कर दिया है पीछे फील्डर लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे बेहतरीन शॉट गेंद बॉडी लाइन के बाद चार रन के लिए जाती हुई काफी देरी के बाद यह आया चौका छठे ओवर के दौरान और मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन शॉट इसे कह सकते हैं आप लेकिन इसी बीच अगली गेंद और बहुत ही खूबसूरत कट शॉट इस बार पॉइंट की दिशा में खेला हुआ शॉट देखना है क्या गेंद को रोक पाएंगे जी नहीं गेंद बाउंड्री लाइन के के लिए जा चुकी है और इस बार बेहतरीन शॉट एक और गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए गेंद लेकिन उतना ही खूबसूरत शॉट इस वक्त खिला है उसे कवर की दिशा में एडोबी एसिस का स्कोर है इस समय पावर प्ले के बाद सातवें ओवर के दौरान तिरपन दो विकेटों के नुकसान पर स्मारक और ऐसी गेंद जो लेग स्टम्प से काफी बाहर और इसे वाइड बॉल करार दिया अंपायर ने और इस समय स्कोर पहुंच चुका है चौवन रनों पर अच्छी वापसी दो विकेट गिरने के बाद बढ़िया गेंद अच्छा टप्पा रखा और सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची गेंद अपील की है बिफोर विकेट की काफी करीबी मामला लग रहा था लेकिन नॉट आउट का फैसला दिया अंपायर ने और इसी के साथ ये मैं समझता हूं कि बेहतरीन गेंद बढ़िया गेंद और स्पार ऑन साइड में खेला उसे कुछ बेहतरीन शॉट खेले हैं आज दोनों ही बल्लेबाजों ने इस दौरान और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन शॉट रहे हैं और बेहतरीन शॉट और ये गेंद छह रन के लिए जाती हुई यहां से अब स्कोर इस, इस समय सात ओवर के बाद साठ है दो विकेटों के नुकसान पर अखिलेश जो ओवर बचे हुए हैं अभी भी, भी यहाँ से तेरह ओवर का खेल शेष है और इसी बीच अगली गेंद बढ़िया शॉट था लेकिन मिस फील्ड हुई और नतीजा बल्लेबाजों ने दौड़ के यहाँ पर एक रन पूरे किए गए और ये एक अच्छा कम मैं कह सकता हूँ बहुत ही बेहतरीन ये नज़ारा लेकिन इस बार बेहतरीन तरीके से गेंद को निकाला है देखना है कवर के ऊपर से क्या ये गेंद बॉडी लाइन के पहले रुके जी नहीं एक बहुत ही खूबसूरत गेंद बॉडी लाइन के बाहर चार रनों के लिए जाती हुई Yeah. यहां से एक विकेट मिला है और वो विकेट रनआउट के रूप में मिला है को छाछ पे दो सेवन पॉइंट फोर ओवर की गेंदबाजी हुई है ये अब देखना दिलचस्प बहुत ही बेहतरीन गेंद ऑफिस से बाहर की तरफ ये गेंद और वहां पर इसी बीच अगली बॉल गेंदबाजी में लगातार स्पिन अटैक देखने को मिल रहा है इसी बीच अच्छी गेंद थी बहुत ही बेहतरीन खेला है गेंद को फाइन कट कह सकते हैं लेट खेला थर्ड मैन बाउंड्री के पास पहुँची गेंद और इसे पहले की बाउंड्री लाइन के पास से गेंद को फील्ड किया जा रहा है वहां पर एक बेहतरीन तरीके से दौड़ के रन पूरे किए गए हैं और दूसरा रन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कर लिया गया इस दौरान स्कोर जा पहुंचा है अब इस खेल के दौरान नवा ओवर चल रहा है उनहत्तर पे तीन अच्छा आज ये मौका है रेस्टोरेंट, सत्तर रन बनाए जा चुके हैं बढ़िया गेंद उठाल के खेला है हवा में थोड़ी देर के लिए मिडॉन की तरफ से गेंद को बाउंड्री लाइन की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एक रन और मिला इकहत्तर पे तीन ही समय जा पहुंचा स्कोर तो नौ ओवरों के बाद स्कोर है बहत्तर तीन विकेटों के नुकसान पर ये देखने वाली बात आप यहाँ पे किस तरह का एक स्ट्रेटजी बना के खेलते हैं दोनों ही बल्लेबाज ओवर की गेंदबाजी में इस समय और अच्छा ओवर करते हुए इस समय गेंदबाज और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट सामने की ओर खेला शाकिब है वहां पर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और पूरा भी कर लेंगे बेहतरीन तौर तो। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा होती हुई और इस समय और गेंद लेके तैयार और इस बार ऑफिसम से बाहर काफी ज्यादा ये वाइट यॉर्क डालने का कोशिश की थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को निकाला है कवर के क्षेत्र में दो रनों के लिए और इस बार फिर से बढ़िया कनेक्शन और बेहतरीन तरीके से गेंद को निकाला है और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही शानदार ये शॉट तो इस तरीके से यहाँ पर एक और ओवर समाप्त हुआ है दस ओवरों के बाद जो रन बनाए गए हैं वो पचासी तीन विकेट के नुकसान पे लगातार पहले और दूसरे ओवर में विकेट गिरा उसके बाद अच्छा कम बैक सो ड्रिंक्स इस समय मैदान पर और मैं आपको बताना चाहूँगा एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये पहला मुकाबला खेला जा रहा है और इस सीजन में शुरुआत हुई है बहुत ही अच्छा मैच होगा और दिन के तीन मुकाबले खेले जाएंगे यहाँ से छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे धन्यवाद तो ड्रिंक्स के बाद दूसरे स्टैंड दूसरे इन से खेल शुरू हुआ है और इस बार देखना है कि इस मुकाबले में कितना रन और बना पाती है टीम इस वक्त स्कोर है नवासी तीन विकेट नुकसान पर और इस बार गेंद को सामने की ओर खेलकर एक रन लिया नब्बे पे तीन है इस समय स्कोर एडोवी गोलेट्स और एडोवी एसएस के बीच ये मुकाबला ग्यारह ओवर की आखिरी बॉल होगी इकतालीस पे खेल रहे निखिल हांडा राम स्वर्थ की अगली गेंद बारह रन दिया अब तक तो उन्होंने कोई विकेट नहीं मिला उनको और इस बार अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई और यहां पर एक और विकेट गिरता हुआ तो यह ओवर बहुत ही अच्छा गया अगर आप देखें तो ड्रिंक्स के बाद यह पहला ओवर ग्यारहवें ओवर की गेंदबाजी हो रही है स्कोर है नब्बे तीन विकेट के नुकसान पर यह चौथा विकेट गिरा है इसी ओवर की आखिरी बॉल पर राम को मिला एक और विकेट और इसी के साथ एक बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है नब्बे पे चार एडोबी एस का स्कोर है ग्लॉड और इस समय कौलियत के अगले गेंदबाज के तौर पर इस समय देखने है कैप्टन किसे आजमाते हैं लेकिन बल्लेबाजी में इस समय जा रहे हैं टीम एडोबी एस एस के देखने वाली बात उस तो समय मैदान पे नजर आ रहे हैं रोहित पंडिता इस समय बल्लेबाजी में हालांकि वो नॉन स्ट्राइकर इंट पर मौजूद रहेंगे इसी बीच अगली गेंद शॉर्ट बॉल गेंद को निकाला है डी बैकवर्ड ले और ले के बीच से क्या पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे गेंद को रोक पाएंगे जी नहीं गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये चार रन के लिए जा चुकी है मैदान से बाहर बारहवीं ओवर की पहली गेंद थी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को टर्न कर दिया ऑन साइड में बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल ने निखिल इस चौके के साथ पैंतालीस पे पहुंच चुके हैं बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं कमाल की बात है कि जब वो बैटिंग करने के लिए आए थे तो टीम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी दो विकेट गिर गए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने पारी को संभाला और बेहतरीन अंदाज में बैटिंग करते हुए और ये क्या नजारा देखिए बीच में एक डॉग आ चुका है मैदान के बहुत करीब और मैच को देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक और विकेट गिर गया है बहुत ही शानदार गेंदबाजी हमारे कैमरामैन भी देख रहे हैं वो डॉग जो है बिल्कुल आप देखें तो ऐसे खड़ा है जैसे मानो मैच का मजा ले रहा हो लेकिन क्रिकेट में ऐसी चीज़ें होती हैं अभी पिछले एक मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला चल रहा था गुवाहाटी के एक बहुत ही शानदार मैदान पर और आप सबने देखा होगा कि एक सांप स्नैक आ चुका था मैदान में लेकिन यहाँ तो विकेट गिर गया है और इस दौरान ये देखना दिलचस्प है कि यहाँ पर अगले बल्लेबाज कौन जाते हैं लेकिन चौरानवे पे पांच विकेट हो चुका है एडोबी एसिस का और ये बहुत अच्छा खेल रहे थे एक अच्छी पारी मैं समझता हूँ कि निखिल की समाप्त हुई है और इस समय दोनों ही बल्लेबाज नए और दोनों ही बल्लेबाज को पहली गेंद का सामना करना है और खाते की भी शुरुआत करना है आप सुन रहे हैं लाइव कमेंट्री मैं हूं संजय बबलू और सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा जितने भी हमारे लिसनर हैं इस समय एडोबिक के आ, आ, बैनर तले ये ऑर्गेनाइजेशन भी अगर आप देखें तो एडोबी का ही है और बहुत ही अच्छा शानदार टूर्नामेंट आ, ये अपने कंपनी के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉय के लिए एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स का आयोजन कराया है ना केवल एक अच्छे मैदान पे बल्कि मैं कह सकता हूँ अच्छे माहौल में अच्छे समय के अनुसार कराया ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी लो फुल टॉस की बॉल बिल्कुल बल्ले के टोपे लगी एक रन के लिए खेला गया शॉट ऑन साइड में और इसी के साथ स्कोर अब पंचानवे पे जा पहुँचा है गेंदबाजी में निर्भया महाजन इस समय अगली बॉल और इस समय LBW की अपील की थी और अंपायर ने उसे एक्सेप्ट किया स्वीकारा और आउट का इशारा कर दिया अच्छी बॉल थी मुझे लग रहा है कि जहां पर इस समय मैं हूं बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स जो ठीक पवेलियन के सामने वाला स्टैंड होता है और हम ऐसे एंगल से इस मैच को आ, कवर कर रहे हैं जहां पे देख रहे हो कमेंट्री कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट तो मेरी नजर से ये बहुत ही अच्छा फैसला बिल्कुल स्टम्प पे जा रही थी ये गेंद तो। और ये छठवा विकेट गिरा है तो पिछले ओवर की आखिरी बॉल पर एक विकेट और इस ओवर की अब तक जो गेंदे हुई हैं चार उनमें दो विकेट गिर चुके हैं तो ये एक अच्छा कम कह सकता हूं मैं गॉलियत टीम एडोबी के लिए दिस इज द ग्रेट कम आई थिंक ऑफ फील्डिंग साइड टीम एज यू नो अगर आप बॉलिंग में तीन विकेट ले लेते हैं पिछले पांच छह गेंदों से तो ये बहुत ही बड़ा अच्छा काम बैक है जल्दी झटके दिए हैं टीम को विकेट हासिल किए हैं अच्छी गेंद बढ़िया गेंद और ये अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोक नहीं पाए नतीजा एक रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज निकल रहे हैं तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये ये पहला रन आया है काफ़ी देरी के बाद छियानवे पीछे है बारहवें ओवर की गेंदबाजी हो रही है और यहाँ पर अजय कुमार कपिल सरदाना इसमें बल्लेबाजी के दौरान नज़र आ रहे हैं कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हुई है तकनीकी परेशानियां हुई हैं जिसकी वजह से खेल रोका गया है बाधित हुआ है आ, ये देखना है कि कितनी जल्दी ये खेल शुरू होगा साउथ पवेलियन से इस समय हम आपके बीच में हालांकि नॉर्थ पवेलियन जो है सामने वाले छोर को कहा जाता है और निश्चित तौर पर आप ग्राउंड का अगर नजारा देखें तो बहुत ही शानदार हमारे कैमरामैन इस समय इस बॉल के बाद में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा ये ग्राउंड का जो जो नजारा इसी बीच अगली गेंद और इस बार खूबसूरत तरीके से खतरा अगर डायरेक्ट हिट लगती तो शायद लेकिन एक रन पूरा किया गया बारह का खेल समाप्त हुआ है, 97 पे इस तो सामने आप देखें जो स्टैंड बने हैं बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय है, मानक के अनुसार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे लाइव स्ट्रीमिंग के जो इस समय और जो ये नजारा आपको दिखा रहे हैं देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार क्रिकेट मैदान और ऐसे मैदान पे जब आप खेलने के लिए उतरते हैं तो आपको एक वातावरण मिलता है एक माहौल मिलता है आनंदित वातावरण मिलता है और वो फीलिंग्स जो होती हैं आपकी वो शायद यही बताती है कि आप एक अच्छे मैदान पे खेल रहे हैं तो यहाँ से खेल शुरू होता हुआ दोबारा एक बार फिर तेरहवें ओवर की गेंदबाजी के लिए देखना है कप्तान किसे आजमाते हैं बहरअल् मैं आपको ये इस समय ये बताना चाहूंगा कि ये अगली गेंद जो थी ये व्हाइट बॉल अतुल शर्मा है टीम एडोबी एस एस के लिए कैप्टन और गोलियत के लिए कप्तान है सौरभ धवन हालांकि शुरुआती दौर में अच्छी बॉलिंग की थी उसके बाद जब से वो मैं समझता हूँ निखिल ने बैटिंग की वो बड़ी कमाल की बैटिंग थी एडोबी के लिए इसी बीच अगली बॉल और इस बार पैड पे टकराई है फाइनल के पास गेंद पहुंची फील्डर उस रन नहीं उस गेंद पर सूर्य की किरणें थोड़ी तेज होती हुई शबनम की बूंदे नम होती हुई यानी कम होती हुई यानी ड्यू जिसे हम कहते हैं तो इस वजह से भी थोड़ा सा रन कम बनते हैं आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा जरूर होता है आ, लेकिन ग्राउंड्समैन ने भी बहुत आज आ, मेहनत की इस मैदान पर जिससे कि मैं समझता हूं कि थोड़ा सा ड्यू कम हुआ है 99 पे स्कोर जा पहुंचा इस दौरान लेकिन इस बार उछाल के खेला है देखना है। पीछे फील्डर आ रहे हैं क्या गेंद को रोक पाएंगे चीन गेंद गेंदबेड विकेट के क्षेत्र में चार रन के लिए जा चुकी है एक बहुत ही बेहतरीन शॉट सौ रन के आंकड़े को पार कर लिया है टीम एडोबी एसएस ने 103 पे छे इसे इसी बीच बॉल इस बार लेकिन इस से बाहर की तरफ यह गेंद और ये गे। एक और गेंद लेग टाइम से बाहर और ये वाइट बॉल लगातार वाइट का सिग्नल आता हुआ इस मैच इस के दौरान एक्स्ट्रास काफ़ी खर्च किए हैं ओवर ओवर समाप्त हुआ तेरह ओवरों के बाद एक सौ दस छह विकेट के नुकसान पर इस समय टीम एडोबी एस एस का स्कोर बढ़िया शॉट एक और गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए तो यहाँ से अब स्कोर 117 पे पहुंच चुका है आपका जगह 116 रन और ये जो रन मिले हैं तो उसे 118 पे जा पहुंचा स्कोर इसी बीच अगली बॉल और इस बार आगे निकल के खेला है शॉट को और इस एक रन के साथ स्कोर एक सौ उन्नीस पे जा पहुंचा इस समय चौदहवें ओवर में चकली बॉल और इस बार गेंद को खेला है फाइनल की दिशा में एक रन के लिए तो एक 123 रन बन चुके हैं विकेट के नुकसान पर इसी बीच अगली गेंद और इस बार नीची रही गेंद, विकेट कीपर से जीवन दानी कहूंगा कि मैं थोड़ा पीछे खड़े है विकेट कीपर ये लेकिन इसी बीच आगे के और खेला है नीचे फील्डर नहीं आ पाएंगे काफी दूर है ये गेंद और इसी के साथ यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ एक सौ चौबीस पीछे पंद्रह की गेंदबाजी हो रही है अगली बॉल इस बार से बाहर और ये बॉल का इशारा किया और इस बार सामने की ओर उठा के खेला है कैप्टन जा रहे हैं वहां पे सौरभ इससे पहले कि वहां पे गेंद को फील्ड करते एक बहुत ही एक खूबसूरत दौड़ विक्टो के बीच में और एक रन पूरा किया गया तो यहां से अब स्कोर 126 पे जा पहुंचा है तो चौदह ओवरों का खेल समाप्त हुआ है सौ छब्बीस पे छह है इस समय एडोबी एसएस का आने वाले छह ओवरों का खेल शेष है इस पहली पारी के दौरान देखना है कि ग्वालियत की तरफ से किस तरह की गेंदबाजी अब होती है कप्तान सौरभ धवन ने गेंद एक बार फिर इस समय और ये बहुत ही बेहतर शॉट खेला था और यहां से स्पार अच्छी गेंद थी और सामने की ओर खेला कवर के पास एक रन के लिए इस बार विकेट के बिल्कुल करीब से यह गेंद खेला है थर्ड मैन के पास पहुंची एक सिंगल के लिए और इस बार बैकउट पर बढ़िया करारा शॉट और वहां पर गेंद को बेहतरीन अंदाज में खेला है दो रन के लिए रन बहुत अच्छे आ चुके हैं मैं समझता हूं एडोबी एसएस के लिए और यहां से 133 कम नहीं है मेरे ख्याल से ये एक सौ तैतीस पे छह सोल के बाद अब चार ओवर का खेल बचा हुआ है सत्रह ओवर के लिए गेंदबाजी में केशव सैनी या सुशांत शर्मा माफ कीजिएगा केशव को या लगाया जा रहा है कि नहीं लेकिन इसी बीच हाउस डेट की अपील और नॉट आउट करा रहे हैं दे रहे हैं और लेकिन ये माफ कीजिए जी हाँ ये आउट का इशारा कर दिया तो एक और विकेट यहां पे हासिल किया है एलबीडब्ल्यू के रूप में अतुल शर्मा जा रहे हैं अगले बल्लेबाज अजय कुमार के साथ में अतुल शर्मा बल्लेबाजी में और सुशांत शर्मा अपने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार नोएडा स्टेडियम से हम मौजूद हैं इस समय एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट के आज सुपर संडे के पहले मैच में और आज ही इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और बाकी के दो मुकाबले अब से थोड़ी देर के बाद खेले जाएंगे इसी बीच अगली बॉल अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे आके बहुत ही बेहतरीन तरीके से कदमों का इस्तेमाल करके खेला है कवर के पास एक रन के लिए और इस बार अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन के पास खेला ये शॉर्ट दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और पूरा भी कर लिया कमाल की बात है दोनों ही बल्लेबाजों में बहुत ही अच्छी दौड़ और ये एक बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन बिटवीन द विकेट कह सकते हैं इंदौर इस बार ऑन साइड में खेला कोई रन नहीं एक रन जरूर मिला है एक और ओवर यहां पे समाप्त हुआ है और एक सौ पे सात सत्रह ओवर के बाद टीम एडोबी एसएस का स्कोर बची हुई सत्रह अट्ठारह जो गेंदों का खेल है उसमें किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं लेकिन इसी बीच ये बहुत ही खूबसूरत शॉट खेल दिया गया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर से चार रन के लिए तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो बल्लेबाजी हो रही है वो स्कोर कितना आगे ले जा पाते हैं मिड विकेट के ऊपर से खेला था थोड़े से अनकम्फर्टेबल लगे थे बल्लेबाजी के दौरान लेकिन शॉट अच्छा अगली बॉल और अच्छी खेद क्या है यहां पर बहुत ही बढ़िया दो की मांग है और पूरा भी कर लेंगे सुशांत शर्मा इस समय बॉलिंग कर रहे हैं गोलियत के लिए आ, आ, देखना है ये बहुत ही बड़ा स्कोर साबित हो सकता है फुल टॉस बॉल को मिस कर दिया अच्छी गेंद और एक और बढ़िया गए आगे निकल के कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया डाउन टू ट्रैक खेला गया शॉर्ट लॉन्ग ऑन के पास पहुंचेगी गेंद और एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ स्टम से बाहर की तरफ ये गेंद थी लेकिन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहां से 18 ओवरों का खेल समाप्त हो गया है और अब तक दो ओवर आने बाकी एडोबी एक का स्कोर अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में दो ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं कोशिश यही रहेगी कि पूरे ओवर खेल जाए अभी भी तीन हैं और ज्यादा से ज्यादा रन बना ले टीम के लिए इसी बीच अगली बॉल और इस बार सामने की ओर खेला है बेहतरीन कैप लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी डीप लॉन्ग ऑफ पर केवल एक रन और ये गेंद बॉडी लाइन के बाहर भेजा है चार रन के लिए बहुत ही खूबसूरत शॉट तो ओवर का जो खात्मा है यानी अभी होना बाकी है लेकिन मैच में पहली पारी में बहुत ही बेहतरीन स्कोर अतुल शर्मा आठ रन बना के खेल रहे हैं डेढ़ सौ का आंकड़ा पार कर लिया टीम ने एस एस ने एक सौ सत्तावन पे स्कोर जहां है तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत दो विकेट जल्दी गिरने के बाद यूं कहें कि पहले ओवर में विकेट गिरा था और इसी बीच अगली गेंद यू मिस एंड आई हिट वही किया गेंदबाज ने बल्लेबाज ने शॉट को मिस किया और गेंदबाज ने क्लीन बोल्ड कर दिया इसी के साथ ये आठवां झटका 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर लगा है गोलियत की तरफ से ये बहुत ही अच्छा ओवर गेंदबाजी के नजरिए से करते हुए सुशांत शर्मा और इसी बीच एक और विकेट बैक टू बैक दो विकेट तो हैट्रिक तो नहीं पूरी होगी लेकिन तीन विकेट जरूर उन्होंने इस मैच में लिए हैं आखिरी जोड़ी मैदान पर सुशांत रावत आ रहे हैं इस समय बल्लेबाजी में और सुशांत शर्मा का ओवर समाप्त हुआ है तो ये दो नाम एक जैसे नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग टीम से हैं बल्लेबाजी में सुशांत रावत इस समय बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं पिछला और जो ओवर डाला था वो सुशांत शर्मा ने डाला था जिसमें उन्होंने दो विकेट आखिरी दो गेंदों से लिए थे एक पे नौ है इस वक्त इस स्कोर उन्नीस ओवरों के बाद बीसवीं ओवर की गेंदबाजी ये आखिरी ओवर की गेंदबाजी लेके गेंदबाज तैयार हो रहे हैं सौरभ धवन जो कि टीम के कैप्टन भी हैं लेकिन गेंद को रोक लिया है बहुत ही अच्छी फील्डिंग फुटबॉल के एक्शन में पैरों से रोकने में कामयाब हुए गेंद को और वहां पर ये दो रन और एक सौ उनसठ नौ। अगली बॉल उठा के खेलने का प्रयास स्टंपिंग की है विकेट कीपर ने सामने की ओर खेलने का प्रयास था उछाल के मारने की कोशिश लेकिन आउट का फैसला लिया है। अंपायर ने अगली बॉल और ये स्टंप पे जाके पैड से लगने के बाद भी स्टंप पे गई गेंद तो टीम ऑल आउट हुई है एक पे जीत के लिए लक्ष्य है वो 160 रनों का देरी से जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय जो हमारे लिस्नर हैं जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा मैं संजय बबलू और नोएडा क्रिकेट स्टेडियम से एडोबी के द्वारा आयोजित एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये पहला दिन और पहले दिन का ये पहला मैच एडोबी एडोबी और टीम एसएस के बीच खेला जा रहा है जिसमें पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बैटिंग का रहा टॉस जीतने के बाद एडोबी एसएस का और उन्होंने बनाया एक सौ उनसठ दस विकेट के नुकसान पर बैटिंग में अगर स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो पैंतालीस शानदार निखिल के बीस प्रदीप जैन के और 25 अजय कुमार और कपिल सरदाना के भी 20 किफ़ायती रन शामिल हैं और गेंदबाजी में मैं वहीं दूसरी तरफ गौलियत की गेंदबाजी का आ, मैं आपको विश्लेषण बताऊं तो जो सबसे किफ़ायती गेंदबाज रहे हैं वो हैं सुशांत शर्मा जिन्होंने तीन विकेट लिए दो विकेट निर्भय महाजन ने लिया और एक एक विकेट सौरभ धवन के अलावा एच एडोबिक और राजा और मोहम्मद शाकिब को नहीं विकेट मिला दूसरी इनिंग का खेल शुरू होता हुआ गोलियत टीम के लिए एडोबी गोलियत और इस समय बल्लेबाजी में दो इस समय बैट्समैन जो गए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा मैं संजय बबलू इस मैच के दौरान जीत के लिए एडोबी गोलियत टीम को एक रनों की जरूरत है और अंपायर इस समय जा चुके हैं मैदान पर दूसरी पारी का खेल शुरू होता हुआ एक बार फिर नई गेंद से बहुत ही अच्छी एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और मुझे तो लगा कहीं एक इंटरनेशनल लेवल की ये जो बॉलिंग एक्शन है वो नज़र आई है बेहतरीन बॉलिंग दूसरी इनिंग का खेल शुरू हुआ है और ये देखना दिलचस्प बहुत ही शानदार तरीके से मुकाबला चल रहा है इस समय और मैं आपको बताना चाहूंगा एक सौ तिरसठ रन बनाने हैं बड़ा मैदान है बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार आप कह सकते हैं ये बना हुआ मैदान एडोबी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है और इंटर जितने भी कंपनी uh, के एम्प्लॉय हैं वो तो नहीं लेकिन एक जो होता है ना डिवीजन एक प्रोसेस uh, वो डिफरेंट प्रोसेस से काफ़ी लोग uh, की ये गैदरिंग है ये मैं कैसे समझता हूँ गेट टुगेदर का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है विथ ऑल द एम्प्लॉय ऑफ एडोबी और इस समय बहुत सारे श्रोता हमारे साथ मैदान पर जुड़ चुके हैं देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैदान आप देख सकते हैं ये नज़ारा और ये यहाँ से कहीं ना कहीं आपको जो नज़ारा दिख रहा होगा और इस समय फ़ोन लाइन पे वीडियो कॉल पे बहुत सारे श्रोता इस मैच को लुफ्त उठा रहे हैं तो ये मैं कहना चाहूँगा तो दूसरी पारी का खेल शुरू हो चुका है इस वक्त और मैं आपको बताना चाहूँगा एडोबी गॉलियत ने बना लिए हैं अब तक पहले ओवर के दौरान एक रन सचिन चोपड़ा और मनप्रीत बरार आए मनप्रीत बरार इस समय बल्लेबाजी में एक रन बना के खेल रहे हैं अतुल शर्मा कमेंट्री इन से पहले ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं और ये पहला विकेट गिर चुका है इस मैच के दौरान दूसरी पारी के खेल में टीम एडोबी गोलियत का ये विकेट गिरा है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये रन आउट हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो तो थोड़ा सा धैर्य की आवश्यकता होगी एक पार्टनरशिप की आवश्यकता होगी और थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत होगी फ्लिक शॉट खेला था इसको लेके पोजीशन के पे लेकिन रन बहुत तेजी के साथ लेने के चक्कर में वहां पर फिसल से गए और रोहित ने बड़ा अच्छा थ्रो किया सीधे रन आउट के रूप में एक पहला विकेट गिरा है सुशांत शर्मा हैं इन्होंने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की थी लेकिन इस समय नॉन स्ट्राइकर इन पर हैं स्ट्राइकर इन पर हैं सचिन चोपड़ा ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी और इस बार की दिशा में खेलकर एक रन लिया है एक और गेंद लेके जाते अतुल शर्मा का आप एक्शन देखें तो बिल्कुल कुछ कुछ कपिल देव की एक्शन की बॉलिंग की यादें ताजा कर रहे हैं ये हालांकि कपिल देव थोड़ा सा हाइट में इनसे काफी ज्यादा थे और वो उनको एडवांटेज जरूर मिलता था इससे पीछे बॉल और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया कवर पे रन के लिए जा रहे हैं बहुत ही पीछे खड़े हैं तीस गज के दायरे के पास और एक रन ये पूरा कर लेंगे तो यहाँ से ये एक रन और मिला है और स्कोर इस समय छ एक ओवर के बाद तीन एक विकेट के नुकसान पर थ्री फॉर द लॉस ऑफ वन आफ्टर वन ओवर दूसरे ओवर की गेंदबाजी में देखना है इस समय आज पाते हैं कप्तान रोबी एसएस के एसएस के कैप्टन ने आज बल्लेबाजी में बहुत ही अच्छा मिश्रण रखा और खास बात रही कि विकेट जरूर उनको मिले ये गेंद अच्छी गेंद थी इस बार पॉइंट की दिशा में खेला एक रन के लिए रोहित आ रहे हैं इस समय आ, बॉलिंग के लिए दूसरा ओवर टीम के लिए और अपना स्पिल का पहला ओवर करते हुए और इस बार फुल टॉस पे लेके गेंद को निकाला है ऑन साइड में और वहाँ पर अच्छी फील्डिंग लेकिन एक रन ज़रूर पूरा कर लेंगे यहाँ पर चार एक विकेट के नुकसान पर दूसरी वर्की गेंदबाजी हो रही है इस समय रोहित बॉलिंग कर रहे हैं एडोविक कोलियत इस समय जीत के 163 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है बड़ा स्कोर कह सकते हैं टी20 में लेकिन बहुत खराब नहीं लेकिन इसी बीच अगली बॉल और बहुत ही शानदार शॉट व्हाट अ लवली टाइमिंग एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को भेजा है कोई मौका नहीं गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए खूबसूरत शॉट मैं तो कहूंगा कि आज के दिन का ये किसी भी बल्लेबाज के द्वारा खेला गया सबसे बेहतरीन शॉट अच्छी गेंद थी ढेले हाथों से खेला ऑन साइड में और रन के लिए छा रहे हैं और पूरा भी कर लेंगे दो रन पूरा किया गया इस दौरान उछाल मिला इस गेंद पर अतिरिक्त उछाल के साथ विकेट कीपर के पास पहुंची गेंद दो ओवर के बाद ग्यारह एक विकेट के नुकसान पर एलेवन फॉर द लॉस ऑफ वन आफ्टर टू ओवर एडोबी कॉलियत कॉलियत का स्कोर है ग्यारह एक विकेट के नुकसान पर तो इस तरीके से तीसरे ओवर के खेल में अब तक जो रन बने हैं वो तेरह रन कुल मिला के बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर इस समय बॉलिंग में एक और ओवर सुशांत माफ की जगह यहाँ पर रजत चैन ये पहला ओवर करते हुए ये गेंद और बार खूबसूरत तरीके तो से गेंद को निकाला है पुल कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में कोई मौका नहीं गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए इस बार सामने की ओर उछाल खेला था लेकिन हवा में थोड़ी देर जरूर गेंद थी लेकिन एक टप्पे के साथ गेंद को गैदर किया बाल बाल बचे और यहां से एक विकेट गिरने के बाद एक बहुत ही अच्छा कम कह सकते हैं यहां पे और यहां पर आप देखना दिलचस्प है कि इस मुकाबले में क्या कुछ होता है लेकिन टीम एडोबी गोलियत भी जानी जाती है अच्छे बल्लेबाजी के लिए तो इस समय 20 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर अब देखना दिलचस्प कि इस मैच में जो टारगेट है वो एक का वो कितना बेहतर होता है इसी बीच एक बार फिर अगली बॉल और इस बार लेग टाइम से बाहर यह गेंद व्हाइट बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने व्हाइट के जरिए स्कोर इस समय बाईस पे जा पहुंचा है यह गेंद जो कि अच्छी गेंद थी हल्के से खेला उसे ऑन साइड में एक रन लेना चाहते थे लेकिन वहां पर टीम गोलियत एडोबी भी गोलियत कह सकते हैं आप एक बार फिर अगली बॉल इस बार अच्छी गेंद थी ढीले हाथों से खेला उसे ऑन साइड में कोई भी रन नहीं उस गेंद पर यहाँ से बहुत ही शानदार ये मुकाबला टीम एडोबी गोलियत को जीत के लिए जो एक रनों का लक्ष्य है वो देखना कितना दिलचस्प होगा हमारे साथ में आ... और इस वक्त मैं नोएडा क्रिकेट स्टेडियम से एडोबी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इंटर एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के टीम एडोबी गोलियत टीम के कैप्टन हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सौरभ धवन हाय सौरभ गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप गुड मॉर्निंग संजय जी ऑल गुड आप बताइए कैसे हैं बहुत बढ़िया और ये बहुत ही अच्छा मैच की आज शुरुआत हुई इनोग्रेशन मैच है ये पहला मैच ओवरऑल क्या आपका व्यू है एक बनाया अगली टीम ने और आपकी टीम बैटिंग कर रही है सो so इट्स uh, 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 मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्कोर है uh, अच्छा स्कोर है uh, जैसे टूर्नामेंट है हम लोग कोशिश करते हैं सब लोग खेलें इसमें सो so, जैसे हमारी टीम में बहुत सारे लोग नए लोग थे तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टीम में भी नए होंगे और हम उसका एडवांटेज लेके हम लोग जीत सकते हैं डेफिनेटली बट uh, एक चीज़ और इसमें आपने फंड डाला है मतलब मैं कह सकता हूँ कि विक्टो की जो संख्या है आई थिंक मोर देन टेन प्लेयर वो खेल सकते हैं यानी कि एक आप एक पूरा मौका देना चाहते हैं एक इंजॉयमेंट और विथ रियल क्रिकेट बिल्कुल संजय जी जैसे आपने कहा क्रिकेट तो है ही फन बट सब लोग इतनी दूर से आते हैं अपना छुट्टी पाँच दिन वर्क करके छुट्टी के दिन सो वी डोंट वांट कि उनका डे वेस्ट जाए सो वट एवर वी वॉन्ट जो भी आ रहे हैं सब लोग खेलें इन द एंड जो यहाँ से जाए सब स्माइल करके जाए सो so यही हमारा एम है बिल्कुल एक गेट टुगेदर का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार किया एडोबी के ये हमारे गोलियत टीम के कैप्टन थे और बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके और इन्होंने काफ़ी बड़ी मेहनत की इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में बिहाइंड द बैनर आप देखें इस टूर्नामेंट के तो एक जो नाम आएगा उसमें सौरभ धवन का नाम आएगा ऑल द बेस्ट सौरभ फॉर दिस टूर्नामेंट थैंक यू थैंक यू सो मच और ये थे सौरभ धवन जो कि इस मैच में खेल भी रहे हैं एज ए कैप्टन और सबसे बड़ी बात है कि वो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया तो मैं संजय बब्लू इस समय नोएडा स्टेडियम से ये बताना चाहूंगा कि मैच में अब तक स्कोर बना लिया है पच्चीस एक विकेट के नुकसान पे और देखने वाली बात है कि यहाँ से अब जो ये पांचवा ओवर यानी पावर प्ले का ये पांचवा ओवर चल रहा है तो ये दूसरा मैच अभी तक दूसरी पारी चल रही है पहले मैच की और यहां से इस समय स्कोर बना लिया है 27 रन एक विकेट के नुकसान पर और इस समय आप देख सकते हैं कि ग्राउंड के बाहर अगली टीम के भी प्लेयर्स अपने आप को रेडी रख रहे हैं अपने आप को तैयार कर रहे हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे वो अगले मैच में खुद को फिट करते हैं अट्ठाईस पे एक है इस समय स्कोर एक का टारगेट है 163 सिक्सटी थ्री इज द टारगेट अगली बॉल ये लेग स्टाइम से काफी बाहर है निश्चित तौर पर अंपायर इशारा करेंगे व्हाइट बॉल का और यह होता हुआ भी इस समय पांच ओवर का खेल समाप्त हुआ है पांच ओवर के बाद उनतीस रन बनाए गए हैं एक विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का एक ओवर आना बाकी है और यहां से टीम एडोबी गोलियत अच्छी शुरुआत कह सकता हूं विकेट भले ही पहले ओवर में आए हैं लेकिन ऑल इज गुड फॉर द टीम इसी बीच अगली गेंद इस बार फाइनल की दिशा में खेला है और व्हाइट बॉल का इशारा करता है अर्थ अंपायर और इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुकाबले में एक अच्छी शुरुआत होते हुए एक सौ यहाँ पर तिरसठ रनों की जरूरत है इस मुकाबले के दौरान और यहाँ से अब पाँच ओवरों का खेल हुआ है छः ओवर जो होते हैं पावर प्ले के वो किस तरह से होते हैं इसी बीच अगली बॉल अच्छी गेंद थी कलायू के सारे गेंद को टर्न कर दिया है फाइनल के पास से गेंद को फील्ड किया जा रहा है पहला रन तेजी के साथ लिया है दूसरे की मांग कर रहे थे वहाँ पर सुशांत शर्मा लेकिन सचिन चोपड़ा ने कहा जी नहीं केवल एक ही रन और यहाँ पर एक और रन मिला है तो पावर प्ले का यह आखिरी ओवर है और इस दौरान रन चाहेंगे कि बहुत तेज खेलें रन बनाए तेज लेकिन कई बार होता है कि आप बहुत तेज़ खेलने की कोशिश करते हो तो विकेट गिरने के भी चांस बढ़ जाते हैं और इस बार फुल टॉस पे लेके गेंद को निकाला है क्या ये विकेट मिलेगा जी हां बहुत ही शानदार कॉटन बोल बॉलर्स इस समय गेंदबाजी जो कर रहे हैं वो रजत जैन कर रहे हैं और रजत जैन ने अपने इसी ओवर में एक विकेट निकाल लिया है अगले बल्लेबाज इस समय अच्छी गेंद नहीं कह सकते इस गेंद को लगभग ऑफिस्टम से बाहर की तरफ ये गेंद और वाइट बॉल का इशारा किया आप सुन रहे हैं इस समय आंखों देखा हाल यानी लाइव कॉमेंट्री मैं हूँ संजय जी हाँ संजय बबलू और इस समय मैं आ, हाजिर हूँ नोएडा क्रिकेट स्टेडियम जो कि सेक्टर 22 के पास ये पड़ता है और ये आ, 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 गौतम बुद्ध नगर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और पुराना और बहुत ही नामचीन ये स्टेडियम माना जाता है एडोबी का ये टूर्नामेंट है एडोबी कंपनी आप जानते हैं और एक बहुत ही बड़ी uh, मल्टी लेवल उसी के थ्रू ये टूर्नामेंट का आयोजन uh, किया जा रहा है और इंटर uh, कह सकते हैं कंपनीज के इंप्लॉयिज के बीच ये मैच होते हैं टीमों को डिवाइड करने के बाद से बीच अगली गेंद और स्टैम्प के सामने ये पकड़े गए लेग बी की अपील और अंपायर ने उसे स्वीकार कर लिया और इसी के साथ uh, टीम एडोबी गोलियत को ये एक और झटका यानी कि ये विक्टों की संख्या यहाँ पे तीन हो चुकी है एक के जवाब में थोड़ा सा मैं समझता हूं कि अब विकेट जल्दी जल्दी गिर रहे हैं यहां पर और इस समय अगले बल्लेबाज देखना है क्या सौरभ धवन आएंगे कप्तान टीम के या थोड़ा सा अभी भी इंतज़ार करेंगे लेकिन सुशांत शर्मा अभी भी मौजूद है बल्लेबाजी में और रजत जैन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में दो विकेट ले चुके हैं तुषार शर्मा अगले बल्लेबाज इस समय आ चुके हैं तुषार शर्मा चौंतीस पे तीन और इस बीच अगली बॉल और इस बार छोटी गेंद थी पुल करने का प्रयास लेकिन तो पावर प्ले का खेल यहीं समाप्त हुआ है पावर प्ले के बाद चौंतीस रन बनाए गए हैं तीन विकेट के नुकसान पर थर्टी फोर फॉर द लॉस ऑफ थ्री आफ्टर सिक्स ओवर यह है टीम की स्थिति षार शर्मा बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में हिमांशु रावत पहला ओवर करेंगे अपने टीम के लिए और ये देखने वाली बात है कि टीम की तरफ से तो ये सातवां ओवर होगा पावर प्ले के बाद पहला यानी सातवां ओवर लेके तैयार इस समय हिमांशु रावत राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है बहुत ज़्यादा गति तो नहीं है इनकी गेंदबाजी में लेकिन लेंथ बहुत अच्छा रखते हैं और इस बार ऑफ स्टम से बाहर की गेंद बहुत बढ़िया ड्राइव किया रनआउट होने का मौका है लेकिन अच्छे समय पे कॉल किया वहाँ पर सुशांत शर्मा ने भेजा तुषार को पीछे अदरवाइज़ मुझे लगता है और भी थोड़ा आगे जा, जाते तो ये आउट हो सकते थे और इस पार फुल टॉस पे लेके गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है एक रन की बजाय दूसरा रन भी पूरा कर लिया क्या बात है बहुत ही बढ़िया दौड़ ये तो कमाल की दौड़ लगाई विकटों के बीच में दोनों ही बल्लेबाजों ने इस तरीके से यहां पर छत्तीस पे स्कोर पहुंच चुका है कई बार आपको लगता है कि आसान हो जाता है ये रन इतना आसान भी नहीं है कि और ऐसे सिचुएशन में विकेट मिलने के भी चांस रहते हैं छत्तीस पे तीन है सातवें ओवर की अगली बॉल और गेंद उछाल मिली गेंद पर विकेट कीपर को भी गैदर करने में थोड़ी सी परेशानी लेकिन सही तरीके से उसे जज किया स्टम से बाहर विकेट कीपर से भी गए छोटी फाइनल के खिलाड़ी के पास से गेंद पहुँच रही है वहाँ पर फील्डर हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये रन वाइट के जरिए आएंगे, जी हाँ इस बार ऑन साइड में खेला है पहला रन तेजी के साथ लिया है लेकिन दूसरा रन वहां से मिला नहीं सुशांत शर्मा स्ट्राइकर वाले छोर पर मौजूद हैं अगली बॉल और इस बार बैक टू द बॉलर खेला फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी कैच करने की कोशिश की थी लेकिन वो कैच छूटा एक जीवन मिला और यहां से ये ओवर भी समाप्त हुआ सात ओवर के बाद चालीस तीन विकेटों के नुकसान पे फोर्टी फॉर द लॉस ऑफ after आफ्टर over ओवर एडोबी कोलियत को चाहिए एक सौ तिरसठ और एडोबी अगली टीम जो है रोबी एसएस ने बनाए थे एक रन बीच अगली बॉल नए ओवर की शुरुआत में और इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे सामने की ओर खेला मिस फील्डिंग हुई लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे तो नोएडा क्रिकेट स्टेडियम से मैं संजय बबलू इस समय बहुत ही शानदार मुकाबले में जी हाँ ये एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज ये सुपर संडे का पहला मुकाबला खेला जा रहा है हालांकि पहली पारी में टीम एडोबी एसएस ने बनाए थे एक सौ बासठ रन जवाब में एक सौ तिरसठ की शुरुआत बहुत अच्छी हुई इसी बीच अगली गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला पहला रन थे जी के साथ लिया क्या दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे बहुत ही शानदार फील्डिंग है ये इस समय देख सकते हैं एक रन और मिला है और इसी के साथ धीरे धीरे ये स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के जैसा ये मानक है स्टेडियम का ये नजारा बहुत ही शानदार और इसमें हम कमेंट्री बॉक्स जो ऑफिशियल तौर पे ये कमेंट्री बॉक्स बनाया जाता है स्टेडियम में वहां से मौजूद है बैराल इसी बी चकली गेंद को इस बार अलॉन्ग विद द कॉर्परेट यानी ग्राउंड शॉट खेला है इसे लॉन्ग ऑफ के पोजिशन पर एक सिंगल के लिए ग्रीन ग्राउंड है आउटफील्ड का नज़ारा बहुत ही शानदार और विकेट आप देखें तो इसमें उछाल भी है और बल्लेबाजों को रास आती है विकेट खेलने के लिए सो so आप दूर तक देख सकते हैं ये स्टेडियम के जो स्टैंड बने हैं बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की एक जो समस्त मैं आप कह सकते हैं कि एक छठा भी खेलते हैं ये तो नोएडा में एक प्रतिष्ठित स्टेडियम माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इन नोएडा बहरहाल अब टीम एडो भी गोलियथ अभी भी देखना है इस समय क्या करते हैं इस समय हमारे लाइव स्टूडियो से लाइव कमेंट्री के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं संजय बबलू बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ में फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है इक्यावन रन बन चुके हैं तीन विकेट के नुकसान पर और ये अब जो ड्रिंक्स के पहले यानी दस ओवर के पहले के दो ओवर बचे हुए हैं आठ ओवर हुए हैं इक्यावन रन किसी भी चकली बॉल स्पिन अटैक नजर आ रहा है लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के लिए आए हैं गेंदबाज इस समय पहली गेंद ऑफ स्टम से बाहर और ये व्हाइट बॉल एक और गेंद लेके तैयार हालांकि पहली गेंद वाइट बॉल थी यहाँ पर गेंदबाज की इस बार बैकफुट पे जाके बढ़िया कट शॉट स्वीपर कवर के खिलाड़ी से गेंद छूटी है बाउंड्री लाइन पे पीछे एक डीप में फील्डर है लेकिन यहाँ से रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर पहली गेंद वाइट दूसरी गेंद डॉट बॉल और तीसरी गेंद पर आप देखें तो एक रन पूरा किया है दो रन दौड़ के लिए एक और अच्छी गेंद कट किया पॉइंट के फील्डर से मिस फील्ड लेकिन पीछे डीप बैकवर्ड पॉइंट भी लगा रखा है तो वहां से दो रन और मिले बढ़िया मैच चल रहा है नौवे ओवर की गेंदबाजी हो रही है एक सौ तिरसठ बनाने हैं ये गेंद बिल्कुल आर्म बॉल जिसे कहते हैं आर्म बॉल आर्म बॉल यस यहां पर बोल्ड हो गए लेग ब्रेक की बॉल आर्म बॉल और वहां पर ये विकेट मिलता हुआ चौथा विकेट गिर चुका है बीच यहां पर क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में कामयाब हुए जिया बहुत ही शानदार शॉट मेड विकेट की दिशा में गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाद चार रन के लिए एक और खूबसूरत शॉट तो ड्रिंक्स के पहले संभवतः दोनों बल्लेबाज सेट होने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि रन तो है इस विकेट पर और मैं समझता हूँ कि विकेट जिस तरह से है विकेट में उछाल भी है तो रन मिलेंगे यहाँ पर इसके लिए पेशेंस की आवश्यकता होगी अच्छे से खेलने की लेकिन इसी बीच अगली गेंद ये कट करने का प्रयास था गेंद की लाइन को मिस किया तो कहीं ना कहीं ये अब अगले जो बल्लेबाज गए हैं उनके कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेवारी स्पार फ्लिक के अंदाज में खेला है डीफाइनल एक और पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं आउटफील्ड बहुत ही तेज और रुकेगी नहीं ये गेंद जी हां बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाके रुकेगी एक और चौका गेंदबाजी में यह दसवीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है हिमांशु रावत की अगली बॉल छोटी गेंद कट किया पीछे फील्डर मैन के पास से गेंद को क्या बॉडी लाइन के पहले से गेंद को रोके पाने बो बहुत ही बढ़िया शानदार डाइव लगाई लेकिन गेंद रोक नहीं पाए गेंद बॉडी लाइन के बाहर चार रन के लिए जा चुकी है रन आ हैं ये बहुत अच्छी बात टीम के लिए चार विकेट गिर चुके हैं सत्तर रन बन चुके हैं दसवें ओवर की आखिरी बॉल आना बाकी है इस समय हिमांशु रावत की सत्तर पे चार बॉल इस की यानी कि यहां से अभी भी जीत के लिए तिरानवे रन चाहिए इकसठ गेंदों पर यह गेंद हिमांशु रावत की अमित सिंह के लिए और बढ़िया लेंथ की बॉल जड़ में डाली उसे बैट का फेस खोलकर खेला जरूर है शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड हुई कोई रन नहीं दस ओवर के बाद सत्तर चार विकेट के नुकसान पर अगले दस ओवर में तिरानवे रन चाहिए ड्रिंक्स के लिए इशारा के अंपायर ने ड्रिंक्स टॉली मैदान पर जाते हुए और इस समय आ, मैं अपने लाइव स्टूडियो से यहाँ पर आ, मैं वापस आपको ले चलता हूँ सीधे मैदान की तरफ ये हमारे कैमरामैन से कहूँगा और लाइव कमेंट्री के लिए एक छोटा सा ब्रेक यहीं पे लेना चाहूँगा और एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान जितने भी हमारे लिसनर हैं उन सभी को वे मोस्ट वेलकम और धन्यवाद कहते हुए मैंने शुरू में ही कहा था ऑल द बेस्ट इस टूर्नामेंट के लिए लगभग आप कह सकते हैं कि ये वीकेंड पे टूर्नामेंट सैटरडे को ही खेला जाएगा और आज ये पहला दिन है तो आज ये पहले दिन का पहला मैच एक के जवाब में दूसरी पारी में दस ओवर में सत्तर बन ले हैं तो देखना है अगले दस ओवर में कितने जल्दी से क्या विकेट लेते हैं या ये जल्दी रन पूरा करते हैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे धन्यवाद रिंक्स के बाद खेल शुरू होता हुआ और पहली गेंद कट करने का प्रयास डी पॉइंट की दिशा में गेंद रुक जाएगी बाउंड्री लाइन के पहले अच्छी गेंद थी और इस बार एक रन के लिए खेला गया शॉट अस्सी रन ग्यारह ओवरों के बाद बन चुके हैं इस समय और दोनों बैट्समैन सेट हो चुके हैं जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही शानदार बल्लेबाजी नजर आ रही है पढ़िया इस बार टी पॉइंट पर फील्डर है एक रन मिलेगा वहां से पच्चीस रनों की पार्टनरशिप हुई है ये एक रन और अगर जोड़ा जाए तो ये कुल मिला अब छब्बीस रन की पार्टनरशिप हो चुकी है बढ़िया भयाद और इस बार और इस समय एक और विकेट गिरता हुआ मुकाबले के दौरान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दीबाजी कर बैठे तो अब यहां से देखना दिलचस्प होगा कि ये विकेट कितना संभाल के रखते हैं इसी बीच अगली बॉल दूसरे स्टैंड से दूसरे इंड से बॉलिंग होती हुई और इस बार सामने की ओर खेला कवार के दिशा में मैच फील्ड हुई गेंद लाइन के बाद चार रन कैच भी था लेकिन आसान भी नहीं था ये ओवरों का खेल यहीं समाप्त हुआ है बारह ओवरों के बाद नवासी रन बनाए गए हैं पांच विकेट के नुकसान पर एटी नाइन फातला फाइव ओवर और यहां से तेरहवें ओवर की शुरुआत देखना है कौन से खिदबाज करते हैं फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी सी वापसी कर ली है सुशांत शर्मा इस समय बावन रन बना के खेल रहे हैं हाफ सेंचुरी लगा के कमाल की बल्लेबाजी सुशांत शर्मा के द्वारा बॉलिंग में भी इन्होंने इस मैच के दौरान आप देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट लिया था यानी कि तीन विकेट लिया था इन्होंने और बैटिंग में भी कमाल तो ये ऑलराउंडर वाला प्रदर्शन रहा इनका इसी बीच अगले गेंद ये लॉन्ग के पास से खेला हुआ शॉट और वहां पर गेंद को फील्ड किया गया एक रन के लिए नब्बे इस समय बन चुके हैं स्कोर बारह ओवर और एक गेंद से आदित्य मिश्रा आए हैं इस समय बल्लेबाजी के दौरान आदित्य मिश्रा खेंद कट किया लेकिन खुशी का ये गेंदबाजी में आदित्य मिश्रा बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए बढ़िया फील्डिंग नब्बे रन बन चुके हैं तिहत्तर रन और बनाने हैं आगे निकल के खेलने का प्रयास था कवर के पास से फील्ड हुई गेंद और वहाँ पर ये एक रन और पूरा और ये तो ऑन साइड में खेलने चाहते थे लेकिन इस बार फुल टॉस पे लेके खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर हैं उसूर और केवल एक ही रन मिलेगा और इस बार पीछे घूम के खेला है बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक रन के लिए खेला गया शॉट और यहाँ पर ये देखना दिलचस्प कि ये जो रन बनाने लेकिन इसी बीच सामने की ओर उछाल के खेला है नीचे उसके फील्डर कोई गलती नहीं किए और इसी के साथ ही और एक और विकेट गिरता हुआ इस दौरान और मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार कैच लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया गया इस दौरान यहाँ पर ये पांचवा झटका लगता हुआ बेहतरीन कैच और यहाँ से अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से यहाँ पर कम बैक करते हैं लेकिन पिछली गेंद पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच लिया लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पे आप देख सकते हैं इस समय नोएडा क्रिकेट स्टेडियम के इस मैदान से बहुत ही शानदार टूर्नामेंट एडोबी टूर्नामेंट का ये मैच चलता हुआ और आज सुपर संडे का ये पहला मैच हालांकि ऑलरेडी आज से दो मैचेस और भी होने हैं ये देखना कि यहाँ पर अब अच्छी गेंद थी कैप्टन गए हैं यहां पर इस वक्त सौरभ धवन हालांकि एडोबी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में अगर आप देखें तो इनका भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है जो इस वक्त बैटिंग पे हैं टीम इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं उसके कैप्टन भी हैं मेरा लकली बॉल लेफ्ट आर्म स्पिन की गेंदबाजी गेंद अच्छी गेंद थी ऑफिस टर्म से छोड़ती हुई गेंद मिस फील्ड हुई पॉइंट पर और इससे पहले की सुपर कवर के खिलाड़ी तीस गज के दायरे के पास आके गेंद को फील्ड करते इसी के साथ दो रन और पूरे किए जा चुके हैं एक के जवाब में इस समय रन बन गए हैं निन्यानवे एक रन और हैं अपनी टीम के सौ रन के बिल्कुल करीब पहुंचने में और धीरे धीरे लक्ष्य के करीब भी जा रहे हैं वैसे देखा जाए तो इसमें दस विकेट की बात नहीं है फिफ्टीन मेंबर्स की टीम है यानी विकेट दस के बाद भी आगे खेल सकते हैं ये अपने आप में एक अनोखा नियम है इस टूर्नामेंट के दौरान इसी बीच अगली गेंद फ्लाइटेड बॉल फुल टॉस पे लेके गेंद को आ, खेला है इस दौरान लॉन्ग ऑन की पोजीशन पे दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया है बहुत ही शानदार तरीके से और इन दो रनों के साथ सौ रन के आंकड़े को पार कर लिया है एक इस समय एक के जवाब में बना लिया है टीम ने तो यहाँ से अब धीरे धीरे ये इसी के साथ एक और खूबसूरत शॉट और ये चार रन के लिए खेला गया स्ट्रोक यहां पर ये देखना दिलचस्प है कि धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंच रही है टीम इस बार अच्छी गेंद थी कट किया आधे विकेट तक आ गए थे रन लेना चाहते थे वहां पर सौरभ धवल लेकिन मना किया टाइगर इनके बल्लेबाज ने और इस बार ऑन साइड में खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया एक और अच्छी गेंद टॉट टॉटबॉल पंद्रह ओवर की गेंदबाजी हो रही है आगे निकल के कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया डाउन अटैक खेला गया शॉट मिड विकेट के पास मिसफील्ड हुई नतीजा दूसरे रन के लिए पलट रहे और पूरा भी कर लेंगे तीस गेंदों से चौवन रन बनाने की आवश्यकता है फिफ्टी फोर रन इन थर्टी बॉल्स बहुत ही शानदार मुकाबला जी हाँ ये पहला ही मैच रोमांचक मैच हो गया है विकेट तो काफ़ी है लेकिन ये देखना है कि गेंदे जो बची हुई है वो हर ओवर से अब यहाँ पे उन पे दस रन से भी ज़्यादा यानी तकरीबन ग्यारह के करीब टेन पॉइंट एट जीरो एटलीस्ट यू कैन से जस्ट एलेवन रन रिक्वायर्ड सुशांत रावत आए हैं इस समय बॉलिंग में और ये उनका ये पहला ओवर होगा वैसे टीम की तरफ से ये सोलह ओवर तीस से चौवन रन बनाने होंगे एडोवी गोलियत को कैप्टन सौरभ धवन यहां से अच्छी गेंद और नॉट आउट का इस फैसला एलबीडब्ल्यू की अपील की थी वहां पर और इस बार सामने की ओर खेला लॉन्ग ऑफ के पे मिस मिसफील्ड हुई एक सौ ग्यारह रन बन चुके हैं बावन रन अब बनाने हैं, ये अच्छा ओवर जा रहा है अब ठीक पचास रन चाहिए पिछले दो रन बहुत शानदार तरीके से थक से गए हैं देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते हैं रेगुलर और उसमें फिटनेस की बात आती है लेकिन कैप्टन सौरभ धवन समय तैयार हो रहे हैं अगली बॉल को खेलने के लिए चिकन थी और इस बार और लेकिन इस बार थोड़ा सा दूर से ही खेला शॉट बढ़िया कैच एक बड़ा विकेट सौरभ धवन का ये विकेट गिरा है यानी कि एक बड़ा विकेट मैं कह सकता हूं इस मैच के दौरान इस बीच ये एक और ओवर समाप्त हुआ है यहाँ पर टीम एडोबी गोलियत को अब जो रन बनाने हैं वो चौबीस गेंदों से उनचास पिछला ओवर बहुत ही शानदार केवल पांच रन आए ऋषभ विनोद आए हैं बॉलिंग में इस समय पहली गेंद वाइड का इशारे का इशारे का दर्शाया अंपायर ने और यहाँ पर 115 रन अब हो चुके हैं 48 बनाने हैं 24 गेंदों से ठीक 12 रन प्रति ओवर से यहाँ रन मेंटेन करने होंगे और इसी बीच अगली गेंद फुल टॉस पे लेके खेला है मैन के पास कोई फील्डर नहीं विकेट कीपर के बिल्कुल करीब से निकली फाइन शॉट थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए इस चौके की मदद से टीम के लिए कुछ ना कुछ तो मैं समझता हूं आ, आ, ये उम्मीद बनी है और ये बहुत दबाव वाले पल होते हैं गेंदबाज के लिए और बल्लेबाज के लिए अंदर की तरफ ये गेंद। आई गेंद पैड पे टकराई एलबीडब्ल्यू की अपील नॉट आउट करा दिया अंपायर ने तो यहां से 120 रन बन चुके हैं 43 फोर्टी थ्री इन ट्वेंटी टू बॉल्स एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में ये गेंद और इस बार स्लॉग स्वीप खेलने का अंदाज लेग के फील्डर के पास से गेंद फील्ड हुई एक रन और मिला और इस बार फुल टॉस पे लेके गेंद को निकाला है देखना है पीछे उसके फील्डर आ रहे हैं एक टप्पे के साथ फील्ड किया है दो रन और मिल गए और ये ओवर अच्छा गया है अभी भी अगर आप देखें तो पिछले ओवर में वाइट के साथ शुरुआत हुई थी पहली गेंद पे चौका फिर दो सिंगल के बाद फिर एक चौका और फिर एक पांचवी गेंद पे सिंगल जबकि आखिरी बॉल आना बाकी है और एक बार फिर स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास था लेकिन कामयाब नहीं हुआ एक और ओवर समाप्त। पिछले ओवर में आए बारह रन ठीक बारह रन चाहिए भी अब हर ओवर से और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ रहा है अब रन रेट सैंतीस रन अट्ठारह गेंदों में थर्टी सेवन इन एटीन बॉल्स और इसी बीच चकली घेन अपील हुई है बहुत ज़ोरदार लेकिन नॉट आउट का फैसला दिया है और इसी के साथ एक लग बाइक के रन में पूरा किया गया सामने की ओर खेला है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा पाएगी एक, एक और क्या विकेट मिला रनआउट के रूप में छिया हाँ, आउट हो गए यहां पर अब तो मुश्किल हो गया है यहां से इस मैच को अपनी गिरफ्त में करना क्योंकि अब जो खेदे बची हैं वो पंद्रह खेदे बची हैं और पैंतीस रन चाहिए चौदह रन हर ओवर से बनाने हैं अभी भी, भी। ऑफिस टाइम से बाहर ये खेल व्हाइट बॉल का इशारा अब यहाँ से बहुत मुश्किल होता हुआ बारह गेंदों से बत्तीस रन बनाने ये तो मुझे वही मैच नज़र आ रहा है जो कल जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टी ट्वेंटी में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच माफ़ कीजिएगा अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला हुआ था इस तरह की सिचुएशन थी आखिरी बॉल आखिरी ओवर में इक्कीस रन बनाने थे मोहम्मद शाकिब आए हैं पहली गेंद बहुत ही शानदार तरीके से खेला है गेंद बाउंड्री लाइन के चार रन के लिए यहाँ पर पहली गेंद पे चौका लगा दिया है आ, दो गेंदे और खेले हैं तीन गेंदों से पांच पे खेल रहे मोहम्मद शाकिब ग्यारह पे 28 इस बार अच्छी गेंद थोड़ा सा रूम बना के खेला है ऑन साइड में और और इस बार रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में कैसे दे बैठे एक और विकेट नौवा झटका लगता हुआ लेकिन मैं आपको याद दिला दूं यहाँ विकेटों की संख्या दस से ज्यादा खेल सकती है ये बहुत ही अहम बात है बार अच्छी गेंद थी और इस बार लेग स्टम को मिस करती हुई जा रही थी गेंद और इसी के साथ यहां पर वैलिड बॉल और इसी बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद अब थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ लक्ष्य क्योंकि जीत के लिए जो लक्ष्य रह गया है वो बहुत आसान नहीं है सात गेंदों से छब्बीस रन बनाने हैं पढ़िया खेद अच्छा कट शॉट और एक रन क्लीन बोल्ड हो गए वहां पर बेहतरीन गेंद शाकिब क्लीन बोल्ड हो गए अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस समय दो गेंदें बची हैं चौबीस रन चाहिए डोबी गोलियत को एक और बेहतरीन गेंद अब आखिरी बॉल औपचारिकताओं का आना बाकी है इस मैच में और इसी के साथ यहां पर ये पहली जीत होती हुई इस मुकाबले को 22 रन से जीता है 140 रन बना पाई और एडबो एडोबी एसएस ने बनाए एक सौ बासठ जवाब में एक सौ चालीस यानी कि बाईस रन पीछे रह गए तो पहला मुकाबला मैं अभी सब अपने सभी श्रोताओं से बताना चाहूंगा कि यह रहा है एडोबी एसएस के नाम पे तो यह पहली जीत मुबारक हो उनको वेलकम हो कॉन्ग्रेचुलेशन और यहां से अब दूसरे मैच की तैयारियां होती हुई थोड़ी देर के बाद दूसरा मैच खेला जाएगा तो यहाँ से मैं संजय बबलू एक जो एक साधारण मैच तो नहीं लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ इस मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा निखिल का और उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है तो निश्चित तौर पर दूसरा मैच थोड़ी देर के बाद शुरू होगा और स्टूडियो से मैं संजय बबलू एक ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगा दूसरे मैच के दौरान हाजिर होंगे एक नए मैच को लेकर तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद

फ्लोर्स यूज करे यॉर्कर्स यूज करे एंड एंड इट गिव रिजल्ट्स वैसे देखा जाए तो स्कोर भी आ, अच्छा ही स्कोर था 162 रन बनाया था आपकी टीम ने दैट वाज इनफ स्कोर फॉर योर टीम इट वाज एट पार इट वाज एट पार वी वर व्हेन 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 इनिशियली वी हैड अ गुड पार्टनरशिप इन द बिगनिंग वी थॉट कि हम 170 कर लेंगे आई थिंक 10 ओवर में 85 थे हमारे एंड देन uh, थोड़ा स्लो डाउन हुआ बट या आई थिंक आई थिंक इट वाज एट पार स्कोर फर्स्ट मैच एंड पहली जीत हाउ डिड यू फील आफ्टर द विनिंग मैच Uh, obviously, uh, it's it's uh, always good to win. Uh, and uh, the, the one thing which I like the most is everyone was new. Uh, people gelled up really quickly, and at the same time, fielding may uh, contribution team made overall. Uh, we didn't uh, miss any matches, uh, any catches. At the same time, uh, people were diving, throwing them uh, on the ball. So I think that was. A good what about uh, Adobe? Go, uh, yeah, Adobe has given a great, great, platfo uh, great platform. I think get together in uh, ground, Noida Cricket Stadium yeah, definitely, definitely. i mean, i've been part of adobe for the last four, or five years now, and i think i was playing uh, the internal tournaments earlier, but because of covid, couldn't play for two years. it's, it's a great initiative by the uh, team, and and uh, good to be back uh, with uh, adobe team. well, uh, well bowled, and good luck for the next match. thank you. thank you. now moving to the next award, and that is the moment of the match. Uh, is the uh, ye best catch or yeah, award jata hai uh, deepak singh वेल दीपक मैच भी जीती है आपकी टीम ने और एक आज शानदार आपने कैच पकड़ा वो तो कैच बिल्कुल एक मिरकल कैच था बिल्कुल सर

बैट एंड ऑल्सो विद द बॉल तीन विकेट लिए थे गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी जौहर दिखाया लेकिन अनफोर्चुनेटली उनकी टीम थोड़ा सा रन से पीछे रह गई एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम और ये फाइटर मैच का अवार्ड जाता है इस मैच के शानदार खिलाड़ी अगली टीम से सुशांत शर्मा वेल well, सुशांत तो बीसवा ओवर आप जब डाल रहे थे आपने आखिरी की दो गेंदों पर दो विकेट लिया और वो आपकी जो बॉलिंग फिगर था उसको बहुत बढ़िया कर दिया विकेट कैसी थी एज ए बॉलर आप क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू थैंक दर्गेइजेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच एन अमेजिंग इवेंट सो आई वॉज यू नो बॉलिंग टू माई बेसिक्स आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बॉल विकेट टू विकेट एंड यू नो इट वॉज मोर लाइक यू मिस आई हिट सो विकेट अ वॉजल स्टिकी द इनिशियल यू नो द द स्टार्ट ऑफ इनिंग it started to dry up and it it got really, really good towards the end. One stage, your team uh, is looking, uh, I think, uh, near about uh, 30, run, 30 balls and 54 runs. So, what is the mistake uh, during the batting? I think uh, we, we had a slow start initially. We should have, uh, you know, kept at par with the run rate when we started our innings. But towards the end as well, uh, we had that belief that we'd be able to finish. Uh, but we, unfortunately, we kept on losing wickets on regular intervals and probably, you know, that's that's what led to us losing this game. as a player, uh, bowling well and bat as a batsman also a uh, uh, make our half century, so how did you feel after making half century? well, it's, it's been amazing to be back on the field after two years of covid. you know, uh, these internal tournaments were not happening because of covid. It, it, it was a great feeling. it's a wonderful stadium and, again, as i said, i'd like to thank the organizers for organizing such an amazing event. it was wonderful. tough luck today, uh, shushan, but i think good luck for the next match.

डबल्स लें सिंगल्स लें फील्डर पे प्रेशर डालें और इनिंग्स को बिल्ड करें तो हमारी एक अच्छी पार्टनरशिप हुई तो शुरू में हमें एक गुड स्टार्ट मिल गया दो विकेट गिरे ज़रूर लेकिन बाद में हमने उसको कैपिटलाइज़ करा प्रेशर हमने फील्डिंग टीम पर डाला और फिर टेन ओवर में हमारे से एटी थे तो हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था आ, क्या लगता था आपको जो एक बन गया था वो एक पार स्कोर था इस विकेट पर हाँ पार स्कोर था हमारे हिसाब से पार स्कोर था और मेन डिफरेंस था हमारी फील्डिंग का हमारी टीम ने बहुत एक्सीलेंट फील्डिंग करी हमने एक्स्ट्राज नहीं दिए तो वो हमें एट द एंड ऑफ द डे हम उसकी वजह से हम आगे निकल गए ग्रेट परफॉर्मेंस विद द बैट गुड लक एंड वेल वेल बैट एंड गुड लक द नेक्स्ट मैच ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन पार्टी और बढ़ते हैं अगले मैच के दौरान जो कि यह मैच खेला जा रहा है एक और मुकाबला एडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट में मैं संजय बबलू यहां से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगा और दूसरे मैच की लाइव कॉमेंटी के साथ वापस आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार